फर्स्ट पेज पे आज रैंक कर रही है, तो कल भी अगर हमें फर्स्ट पेज पे ही रखनी है तो हमें क्या चीज़ों को मतलब किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो फर्स्ट पेज पे रहे। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एसपी में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट या फिर ये कमेंट आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन भी होंगे कि हमारे जो गिग है उस पर इम्प्रेशन और व्यू वगैरह जो कम हो रहे हैं, या फिर एक बार व्यू आ रहे हैं लेकिन उसके बाद में कम हो रहे हैं, या फिर पहले व्यू आते थे अभी व्यू कम आ रहे हैं, या फिर कुछ भी व्यू या फिर इम्प्रेशन नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, हम उस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि ऐसा क्यों होता है कि इम्प्रेशन और व्यूज़ जो हैं हमारे वो कम हो जाते हैं, या फिर पहले व्यू हमारे आ जाते हैं अच्छे खासे लेकिन उसके बाद में हमारे जो व्यू और इम्प्रेशन है कम हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो इस पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखना, ठीक है। तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे व्यू और इम्प्रेशन कम क्यों हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल भी आ क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों है? फाइवर पर ये प्रॉब्लम बहुत सारे जो न्यू सेलर जो हैं उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनके इम्प्रेशन और व्यू कम आते हैं जिसके वजह से ऑर्डर आते ही नहीं हैं। कुछ एक पॉइंट जो है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं लेकिन कुछ जो मेन जो पॉइंट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फाइवर के ऊपर नए सेलर जो आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, नए सेलर की जो नंबर है नए सेलर का वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फाइवर पे बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो आ चुके हैं, जिसकी वजह से गिग्स भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अब अगर आप एग्जांपल के लिए अगर हम लैंडिंग पेज की जो कैटेगरी में जाते हैं वर्डप्रेस की, और जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे 5598 जो सर्विस हैं वर्डप्रेस की लैंडिंग पेज की कैटेगरी में वो शो कर रहे हैं, और अगर हम कुछ दिनों के बाद में अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि नए सेलर्स और भी आ जाएंगे इस सर्विस में। तो कंपटीशन डेली जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, नए सेलर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाकी सभी जो प्लेटफॉर्म है अपवर्क फ्रीलांसर्स वगैरह उनसे अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि हम इसमें अपना प्रोडक्ट और सर्विस लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो मेंबर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद में दूसरा रीज़न क्या होता है, गिग रोटेशन। फाइवर ने एक प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट कर रखा है गिग्स के ऊपर कि जो भी गिग्स होगी वो रोटेट होती रहेंगी। ठीक है, मान लो इसमें क्या होता है कि आज अगर आपकी गिग पहले नंबर पे या फिर फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है तो ऐसा नहीं है कि वो कल भी फर्स्ट पेज पे ही रैंक करेगी, या फिर कुछ दिनों के बाद भी वो फर्स्ट पेज पे ही रहेगी, या परमानेंटली आपकी जो गिग है वो फर्स्ट पेज पे ही रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर आपकी गिग फर्स्ट पेज पे है तो हो सकता है कि आपकी जगह कल कोई और लेने वाला है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये फाइवर ने इम्प्लीमेंट कर रखा है ताकि सभी को बराबर मौका मिल सके, और इसमें फाइवर ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि अगर आप मान लो कि अगर हमारी आज गिग फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है, और अगर ऐसी कोई टिप या ट्रिक नहीं है कि अगर आप फर्स्ट पेज पे आज रैंक कर रही है तो कल भी अगर हमें फर्स्ट पेज पे ही रखनी है तो हमें क्या चीज़ों को मतलब किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो फर्स्ट पेज पे रहे, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया फाइवर ने नहीं बताया है, ना कुछ ऐसा रूल है कि आपको ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी ताकि आपकी गिग जो है फर्स्ट पेज पे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका फ़ायदा भी है क्योंकि अगर ये चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे कि किसी लेवल 2 के सेलर को अगर ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि अगर हमारी गिग आज फर्स्ट पेज पे है और हमें इन इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा तो हमारी गिग हमेशा फर्स्ट पेज पे रहेगी, तो फाइवर पे बहुत सारे लेवल 2 है, बहुत सारे टॉप रेटेड हैं, तो हमेशा ही उनकी ही गिग फर्स्ट पेज पे रह सकती थी अगर ये प्रोसेस बता देते, क्राइटेरिया बता देते कि फर्स्ट पेज पे रखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। लकीली उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि रोटेशन प्रोसेस कैसे एक्टिवेट रहता है आपकी गिग पे, क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, जिसकी वजह से जो सभी जो सेलर्स हैं उनको बराबर के का मौका मिल सके। ठीक है, तो आपकी गिग भी कल फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकती है, सेकंड पे रैंक कर सकती है, फर्स्ट पोजीशन पे भी रैंक कर सकती है जब भी फाइवर अपने गिग्स को रोटेट करता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो मेन फैक्टर है वो है आपकी गिग्स की लुक कैसी है, वो इम्प्रेशन कैसा है गिग का
दिखने में इमेज कैसी है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, जो कि हर जो मेंटर होता है वो आपको बताता है कि गिग डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, टाइटल अच्छा होना चाहिए, इमेज अच्छी होनी चाहिए। तो ये मेन चीज़ है, क्योंकि जब फाइवर आपकी गिग को रोटेशन प्रोसेस में जब आपकी गिग फर्स्ट या सेकंड पेज पे आती है, तो उसके बाद में आपका काम चालू हो जाता है वहाँ पे कि आपने गिग की इमेज कैसे यूज़ की हुई है। वो अच्छी है भी नहीं है, दिखने में वो परफेक्ट आई कैचिंग है भी नहीं है या नहीं है, तो उसके बाद में आपका काम स्टार्ट हो जाता है। अगर अभी आपके मान लो रोटेशन प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया है, मतलब आपका गिग फर्स्ट या सेकंड पेज पे आ चुका है, और फिर भी कुछ एक इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट या सेकंड पेज पे रैंकर का तो इंप्रेशन आएगा लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि आपका गिग का जो इमेज है या फिर जो टाइटल आपने यूज़ किया हुआ है वो अच्छे से नहीं यूज़ किया हुआ है, उस पर आपने काम नहीं किया हुआ है, मेन रीज़न है ये। तो आपको सबसे पहले तो अपनी गिग्स को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। आपको मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ कि क्लाइंट की नज़रों से आपको अपनी गिग को देखना है, और जहाँ भी आपको ये लगे कि नहीं, अगर ऐसा ये इसको दिख रहा है तो मैं इसको ऑर्डर नहीं करने वाला हूँ, तो वो चीज़ आपको उसी टाइम पे चेंज करनी होगी, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मेन हैं, मतलब कई जो सेलर्स हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मेरी गिग्स पे इंप्रेशन और व्यू क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ टाइम बाद आने बंद हो गए हैं, या फिर आएंगे इस पे इंप्रेशन, या अभी नहीं भी आएंगे, मतलब मेरे को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो कुछ एक मैंने पॉइंट बता दिए आपको कि इन पॉइंट्स के चलते ही इंप्रेशन और व्यू पे इफेक्ट पड़ता है। उसके अलावा भी कुछ एक पॉइंट हैं, जैसे कि वो बाद की बात है, मतलब अगर आप न्यू सेलर हो तो मेन चीज़ें यही हैं, उसके बाद में अगर आपने आपके पास में कुछ ऑर्डर्स हैं, रिव्यूज़ हैं, तो रिव्यूज़ का भी देखा जाता है उसमें कि कितने रिव्यूज़ हैं और सारे 5 स्टार हैं या नहीं है, वो भी देखा जाता है। उसके बाद में गिग रिस्पॉन्स टाइम भी मैटर करता है यहाँ पे। रिस्पॉन्स टाइम के अलावा डिलीवरी टाइम हो गया, ऑर्डर कंप्लीट का टाइम हो गया, ये फैक्टर बाद में मैटर करते हैं जब आपके पास में रिव्यूज़ हो, आपने कुछ ऑर्डर कंप्लीट कर दिए हो, लेकिन आप बिल्कुल न्यू सेलर हैं। ये पॉइंट मैंने बता दिए जिनकी वजह से हो सकता है आपके इंप्रेशन कम आ रहे हो सकता है आपके इंप्रेशन आ रहे हों लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक कुछ एक टिप्स रहेंगी न्यू सेलर के लिए, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो अपनी फाइवर प्रोफाइल के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपको इंप्रेशन और व्यूज़ इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, ताकि उनको माइंड में क्लियर हो जाए ये बातें कि कैसे इंप्रेशन और व्यूज़ कम या ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।